अनुभव सिन्हा की नई मूवी हाईजैक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये कंधार कांड को लेकर मूवी बनाई गई थी। वो आतंकवादी जो छोड़े गए थे, उनमें से कुछ आतंकवादी मेरठ जेल में ही बनते, ये अलग तथ्य है। लेकिन उन आतंकवादियों का नाम हिंदू नाम से संबोधित करने को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। सवाल ये उठने लगा है कि हिंदी सिनेमा में क्या ये सांप्रदायिकता जानबूझ के फैलाई जाती है या इसके पीछे कहानी कुछ और है। मेरे साथ यहाँ कुछ युवा हैं, उन्हीं से जानेंगे वो क्या सोचते हैं अनुभव सिन्हा की इस फिल्म के बारे में। पराग, आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्म है ये वाकई में कंट्रोवर्सी सही है या एक इंटेंशनली जानबूझ के किया जाता है? देखिए, इंटेंशनली है या नहीं ये कहना तो गलत है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें कोट करना चाहूँगा। अब से नहीं, काफ़ी पुरानी बॉलीवुडिया में ये दिखाते आ रहे हैं, हमेशा हिंदू नामों को, हिंदू देवी देवताओं को ही बदनाम किया गया है। आज से कुछ एक साल पहले शबाना आज़मी और नंदिता दास की एक पिक्चर आई थी फायर, जिसमें उनके नाम, जहाँ तक मुझे याद है, शायद बेगम जान और रानू के नाम से एक नॉवल था जिसमें नाम कर दिया था राधा और सीता, ठीक है ना। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम दे सकते हैं। आप देखो पीके के अंदर शिव जी का कैसा अपमान दिखाया था, है ना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है चक दे में रंजन नेगी था, उसका नाम, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम्स को अपर दिखाया गया, हिंदूज को नीचे दिखाया गया, ठीक है ना। वो पिक्चर थी दीवार, दीवार में अमिताभ बच्चन है, वो भगवान जी को तो नास्तिक बना हुआ और 786 का बिल्ला पहन रखा है साहब। वही तो सारी चीज़ें चलती हैं। अगर सीखना है बॉलीवुड वालों को तो देखो मनी हिस्ट कितनी अच्छी पिक्चर बनाई, उसमें भी क्रिमिनल्स थे और उन्होंने क्या करा, अपने नाम रखे शहरों के नाम पे। उसमें जो क्रिमिनल्स थे, किसी का नाम टोक्यो था, बर्लिन था, ऐसे करके ना किसी की बदनामी ना कुछ, ज़बरदस्ती। अगर आप देखेंगे कि लगातार सीरीज चल रही आ रही है जिसमें लगातार हिंदू देवी देवताओं के नामों को बीच में डाल के इसे एक अलग रंग दिया जाता है। और अनुभव सिन्हा इस मामले में अब से नहीं, बहुत पहले से बदनाम है। इनकी और भी पुरानी पिक्चरें हैं जिनमें इन्होंने इस तरीके के कुकृत्य करे हैं, निर्देशन में ये कहीं ना कहीं इस तरीके का दिखाया ही गया है। तो ये लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है? अगर इसे प्रोपोगेंडा नहीं कहेंगे तो इसे मानसिकता तो कह ही सकते हैं। मैं अगर प्रोपोगेंडा नहीं कहूँ, इसे मानसिकता तो कहेंगे। शुरू से ही कुंद है। अगर आप, आपको दिखाना है कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हो। चलो अगर आपने कोड वाले नाम डालने के, सिटी के नाम आपके दिमाग में नहीं आए कि हम सिटी के नाम डाल दें, हिंदू ही नाम लेने थे तो भैया राहुल नितिन डाल देते, भोला शंकर ही नाम क्यों रखना है? क्यों बार बार आप दिखाते हो कि ठाकुर ही कमीना है हर पिक्चर में, वही रेप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या फिर कोई ब्राह्मण या पंडित ही है, मंदिर का पुजारी है जो गलत काम करते हुए दिखाते हैं? क्यों इस तरीके की मानसिकता लोगों के बीच में डाली जाती है? ये इंटेंशनली किया गया, मैं कह रहा हूँ कुंद मानसिकता, इंटेंशनली करें ना करें, लेकिन इसका एक गलत इम्पैक्ट जो आने वाला यूथ है उसके ऊपर तो यही जाता है कि हाँ यही लोग गलत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो हमारा नया यूथ है उनके अंदर संस्कारों की तो वैसे भी कमी है, आप सब जानते हैं, तो उनको इन संस्कारों से और दूर ले जाने का काम बॉलीवुड करता आ रहा है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षित त्यागी है। अक्षित, ये अभी आपसे बात भी हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आपको क्या लगता है ये पूरा का पूरा जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई इस फिल्म को लेकर, क्या सोचते हैं आप? ये देखिए, अनुभव सिन्हा जी की बहुत पुरानी आदत है, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हिंदुओं के ऊपर एक तरह से उन्हें डिवाइड करने के लिए कहा जाए या उनके ऊपर हमला करना। अभी इनकी पिछली फिल्म थी आर्टिकल 15, उसमें रेप का एक मामला था, उसके ऊपर वो रियल केस पे बनी थी, ट्रू इवेंट्स पे थी। उसमें इन्होंने क्या करा, नाम बदल के, किसी और कास्ट के थे, कुछ और थे, उन्होंने उसमें नाम लिए ब्राह्मणों के, ठाकुरों के। तो इनकी एक मानसिकता है ये किस तरह से हम जो है झगड़ा करवाएं, हिंदुओं को तोड़ें या हिंदुओं को बदनाम करें कि डिफेम करें, ये और कुछ नहीं है, ये सोच समझ के करा जाता है इनकी तरफ से हर बार। तो इस पर कोई एक्शन की भी सोचते हो आप लोग? हमारे हिसाब से तो तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए। आप कंगना रनौत की इमरजेंसी पर रोक लगा सकते, तो इस पर क्यों नहीं रोक लगा सकते? दोहरी मानसिकता हो गई ना, हिपोक्रेसी हो गई। आप इस पर रोक लगाएं, बंद करें, सब कुछ आपके हाथ में है, क्यों नहीं कर रहे? ये तो ये बात है कि हिंदू जो है झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो अपने काम करना चाहता, किसी फसाद में नहीं पड़ना चाहता, तो बस पकड़ो उसे, बदनाम करो उसे, मारो पीटो कुछ भी करो, उसके साथ वो कुछ करेगा ही नहीं, ये चीज़ें चल रही हैं। तो आपने मूवी देखी क्या अभी तक नेटफ्लिक्स पे जो ये सीरीज़ आई? नहीं, मैंने देखी नहीं है और ना देखूंगा। और अपने साथ के चित परिचित जितने लोग मेरे सर्कल में हैं, जितने मेरे लोग जानकार हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करूँगा कि इस पिक्चर को ना देखें, इस पिक्चर को बायकॉट करा जाए। जो चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। मेरा जो रहेगा इसके पिक्चर के प्रति कि मैं सबसे बोलूँ इसे ना देखें, बायकॉट करें, ज़्यादा मैं इस चीज़ का प्रचार भी करूँगा।
अच्छा, जब अभी 2-3 दिन ही हुए इसको सीरीज को लॉन्च हुए हुए, तो ये आपकी नॉलेज में कैसे आया पूरा प्रकरण? ये मेरे नॉलेज में पूरा प्रकरण सोशल मीडिया के थ्रू आया, मैंने सोशल मीडिया पे सुबह पढ़ा और इन शॉर्ट में भी आया था सोशल मीडिया पे, जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म रहते हैं उन्होंने भी डाला कि भाई ऐसे ऐसे मूवी थी, आतंकवादी किसी और धर्म से थे, उनका नाम हिंदू भगवान पे रख दिया गया, भोला और शंकर रख दिया, वहाँ से मुझे इस बात की जानकारी। अक्षत, ये जानकारी जब कंधार कांड हुआ आप कितने बड़े थे उस समय, याद है कुछ? नहीं, मेरे को कुछ ऐसे कोई खास याद नहीं है, पर मेरे को इतना याद है आतंकवादी मसूद था, उसे छुड़वाया गया था, 6 आतंकवादियों को शायद छुड़वाया गया था, मतलब हो सकता है मेरा जन्म भी ना हुआ हो। तो जन्म भी ना हुआ हो। भाई क्या पूरा नाम लिखते हैं? शेखर त्यागी। शेखर जी, आपको क्या लग रहा है जो पूरी आप बात सुन रहे हैं अभी, और अनुभव सिन्हा की इस फिल्म हाईजैक जो आई है ये पूरी तरीके से, इस पर क्या मानना? ये हिंदुओं को हर बार की मतलब नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें हिंदुओं का नाम ही लेना था, अखिलेश क्यों नहीं लिखा, राहुल गांधी क्यों नहीं लिखा, लिख देते उनका नाम। ये जातिवाद में डिवाइड करना चाहते हैं, जातिवाद में बांटना चाहते हैं हिंदुओं को, इनकी ये दोहरी मानसिकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पिक्चर पर पूर्णतः बैन होना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश या हाँ ये राहुल गांधी वगैरह के लिए बनवाई लग रही है, लगा रही है और अपना काम चला रही है, मुहिम चला रही है, तो ये लग रहा है ये पॉलिटिकल वो मोटिवेटेड? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ मैं। अच्छा, मूवी देखी क्या अभी तक? नहीं देखी, ना देखूंगा, ना सबके लिए मना करूंगा। अच्छा, तो ये पता कैसे लगा आप लोगों को कि जैन में कहां से ये बात? सोशल मीडिया, अपना व्हाट्सअप, फेसबुक, इन्हीं के माध्यम से सबको पता लगता है, और बाकी हम सब यहां बैठते हैं कुटिया पर यहां। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और दूसरे पर इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है, कुछ एक पक्ष लिख रहा है कि अनुभव सिन्हा ने वही नाम इस्तेमाल किए हैं जो आतंकवादियों ने कंधार हाईजैक के समय उस प्लेन में अपने बोले थे, और ये गृह मंत्रालय की जो चार्जशीट फाइल हुई थी जो डॉक्यूमेंट से, उसमें यही नाम, पुलिस ने भी अपनी एफआईआर में यही नाम इंगित किए थे कि वो अपने छदम नाम यही बोल रहे थे। तो ये तो मैं अभी पहले भी कह सका हूँ, ये तो राजनीति है, पहले से ये इसी काम करते आ रहे हैं। अभी भी मैंने बोला था अखिलेश राहुल नाम लिखो, बोलो यही मैं अब भी बता रहा था। तो ये जानबूझ कर, क्योंकि पाकिस्तान पर आतंकवादी थे, आपको लग रहा है इसलिए उन्होंने जानबूझ के नाम, ये जानबूझ के नाम करें कि हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचे, हिंदू आपस में जातिवाद में बटे और तुम्हारी राजनीति चले सफल। क्या नाम है भाई आप? राहुल चौहान। राहुल, आपको क्या लगता है जो पूरी कंट्रोवर्सी है? ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूरा प्रायोजित मामला है। अनुभव सिन्हा की कोई ये पहली मूवी नहीं है, इससे पूर्व में भी वो कई मूवी इस तरह की बना चुके हैं, और जो आज का यूथ है वो फिल्मों को देखकर उससे बहुत सारा कुछ ग्रहण करता है, और ये पूरा का पूरा भारत की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो वास्तव में 1999 की कंधार घटना थी, जिसमें 7 दिन वो जहाज हाईजैक रहा, उसके में जो सही लोग थे, जो आतंकवादी वास्तव में थे, जिनके नाम जो उनके वास्तविक नाम थे, उन नामों को यूज़ किया जाता और तब इसको पेश किया जाता तो ठीक रहता। ये आपने हिंदुओं में भी नाम लिए तो देवी देवताओं के नाम लिए, जिससे कि आप पूरा धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, डिफेम करना चाहते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये लगता है कि पूरी तरीके से जानबूझ के सांप्रदायिकता फैलाई गई है? मुझे लगता है, क्योंकि ये पहली घटना होती तो ऐसा कह सकते हैं कि गलती से हुआ है, लेकिन ये कई बार की घटना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलती हुई है, सोची समझी साजिश है। तो क्या डिमांड करना चाहते हैं आप? इस पे रोक लगनी चाहिए और ऐसी मूवी पे, ऐसी सीरीज़ पे बायकॉट होना चाहिए, पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं भाई? करण भटेजा। करण, आपका क्या मानना है? सर, मेरा मानना है चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए और जेन्युइनिटी के ऊपर बात होनी चाहिए। कंधार वाला केस भी हम डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी डिनाइल का केस नहीं है, बहुत गलत हुआ, बट जो नेम रखने की बात है और इसे पेश करने की बात है, तो अभी कंगना रनौत की नेक्स्ट मूवी आपको पता है वो सिखिज़म एक्सट्रीमिज़म के ऊपर आ रही है, तो प्रोपोगेंडा टू वे है, आप बदनाम हिंदुओं को भी कर रहे हो, यहाँ से बदनामी सिखों की तरफ भी चल रही है। हालांकि दोनों के दोनों लोगों का पॉइंट अपनी जगह पे रहना चाहिए, और यूथ बहुत जल्दी कैप्चर करता है सर, बहुत जल्दी अपने दिमाग के अंदर बिठा लेता है, तो मेरा पॉइंट यही है कि जेन्युइन चीज़ दिखाओ। फिल्म और एपिसोड नेटफ्लिक्स सबसे बड़ा माध्यम है आज की डेट में कोई भी नॉलेज ग्रैस्प करने का, और उसको ठीक तरीके से अपने दिमाग में उतारना चाहिए, तो इट इज़ अबाउट जेन्युइनिटी। चीज़ें दोनों ही मेरी जगह पर ठीक नहीं है, मैं बहिष्कार करने के लिए नहीं कहता हूँ, बट हर बंदे को, यंग को भी, जवान को भी, बूढ़े को भी, जेन्युइन चीज़ ही प्रोवोक करनी चाहिए, मेरा कहना है। लगता है कि ये दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक चल गया, एक मतलब सर सरकार वर्सेस पूरा का पूरा चल ही रहा है। कंगना रनौत को एक तरीके से एक फेस बनाया गया है,
सिखिज्म को टारगेट करने का और यहाँ पे हिंदुओं को भी टारगेट करा जा रहा है, वो दोनों ही गलत हैं। और रही बात मुसलमानों की, तो भैया कंधार वाले मुसलमान थे तो भोला और शंकर यूज़ नहीं करना चाहिए था। कुड हैव बीन, मेरे ख्याल से हिंदू नाम नहीं तो मुसलमान नाम ही होते, जेन्युइन बात तो रखते, ज़्यादा बेटर होता। अच्छा, फिल्म देखोगे या नहीं देखोगे? सर आज शाम को देखेंगे, ज़रूर से देखेंगे। कॉन्ट्रोवर्सी किस चीज़ के पता तो चले, बिकॉज अभी हमें हाफ नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज नहीं है, वो बाकी फिल्म देख के पता चलेगा कि कितना सच और कितना झूठ। तो ऐसा तो नहीं है कंट्रोवर्सी ही फिल्म को हिट करने के लिए की गई हो? अगर कंट्रोवर्सी होगी तो फिल्म हिट होगी, ज़्यादा देखेंगे। जैसे दो भाइयों ने कहा भी वो फिल्म नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से 99% सिनेरियो यही होता है, कोई भी चीज़ को हिट करने का प्रचार यही है। नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ पब्लिसिटी, आई बिलीव। तो वो ज़्यादा लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट ही हो सकता है। अच्छी चीज़ से ज़्यादा लोग बुरी चीज़ देखना चाहते हैं सर, ये वाली बात है। पहली बात तो हिंदू सबसे सॉफ्ट टारगेट है इनके लिए, और पूरी मूवी इंडस्ट्री के अंदर पहले दाऊद था, उसने पूरा षड्यंत्र रच रखा था, तब हिंदुओं में पिक्चरें बनती थी, ये पूरा षड्यंत्र है। और दूसरी बात, ये पीके जैसी मूवी बन गई, और तमाम इस तरह की जो ये है वेब सीरीज है, मूवी क्या है तो वेब सीरीज है, ये तो एक तरह से सरकार ने प्रमाण पत्र दे दिया कि किसी के खिलाफ कुछ भी बोलो। ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ना, ये घटनाएं कोई आसान नहीं है, पढ़े लिखे लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब दिल्ली में प्रोफेसर है, वे जो है आतंकवादियों का संरक्षण कर रहे हैं, आप उन पे क्यों नहीं मूवी बनती है? इस तरह की घटनाएं करके ये सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करना है, बीजेपी पार्टी को। अगर हम सपोज बात कर रहे हैं हिंदुओं की, तो हम कट्टर हिंदू हो गए, आप ये बताओ चार्ली हेब्दे जैसी घटना हुई है, वहाँ क्या था? मात्र एक कार्टून बनाने के ऊपर उन्होंने पूरे वहाँ गोलियाँ चला दी, सब मार दिए, उस पर तो पूरी दुनिया में से कोई बोलता नहीं है, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट हो गया बार बार हिंदू हिंदू, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आप बोलो ना, कोई मुस्लिम है, अगर घटनाएं होती हैं उन कहते हैं नहीं गलत है, सिर्फ गलत कहते हैं, लेकिन वो जब बड़ी कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं तो सड़कों पर दिखते हैं, ये लोग खुद सड़कों पर क्यों नहीं आते? भाई साहब क्या नाम है आपका? अजय त्यागी। अजय जी आपको क्या लगता है ये जो पूरा इशू है, इसे किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये तो देखो, फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का माहौल पहले से चला आया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो कहते हैं कि मेरा किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन कुली पिक्चर में उन्होंने अपने हाथ में बिल्ला बांध रखा 786 का, वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं। वो रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा करते हैं, तो इन्होंने इस तरह का एक प्रोपेगेंडा रचा रखा हिंदुओं के खिलाफ। वही चीज़ इन्होंने अभी ये पेश कर दी है कि भोला और शंकर के नाम से, क्या उसमें भोला शंकर थे जिन्होंने हाईजैक करा था? वो कौन लोग थे? वो आतंकवादी थे, और ये कहते हैं आतंकवाद का कोई नाम नहीं होता, जबकि ये एक विशेष वर्ग जो है वो उसमें लिप्त है। वो गजवाए हिंद चलाते हैं, 2 मिनट में कहते हैं कश्मीर खाली करो, हमारे लोगों ने तो आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सरकार भी हमारी चल रही है। हमें इस देश में 2वें दर्जे का नागरिक बना कर रखा हुआ है इन सरकारों ने। सबसे बड़ी गलती है ये सेंसर बोर्ड बना रखा है, ये भी सरकारों ने बनाया है, इसमें जो है तुरंत इसको बर्खास्त कर देना चाहिए और नया श्री के माध्यम से नया अध्यक्ष का निर्माण करके और इन पर बैन लगानी चाहिए इस तरह की जो पिक्चरें चल रही हैं, क्योंकि ये समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, जोड़ने का काम। जो इस हाईजैक फिल्म को लेकर आया है, लोगों ने अभी फिल्म नहीं देखी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जबान पर इस फिल्म की चर्चा ज़रूर है। अचानक से ही यहाँ पर इन पर लोगों से बात की गई तो सब ने अपनी राय रखी, क्योंकि सोशल मीडिया आज इतना सशक्त हो चुका है कि हर मुद्दा हर किसी के पास पहुँच जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री सच को झूठ और झूठ को सच बनाती रही है, और जिस तरह से एक वेब सीरीज़ आई है जिसमें तमाम जो हाईजैक के आरोपी थे, आतंकवादी थे, उनको हिंदू नाम दिया गया है, जिसको लेकर के विरोध शुरू हो गया। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह की आज़ादी है कि जो नाम है वो हाईजैक हुआ, कंधार हाईजैक हुआ था, उसको उसमें जो आतंकवादी थे उनका नाम हिंदू नाम दे दिया गया, जिसको लेकर के विरोध हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? हिंदुओं को पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में बदनाम करने की एक साजिश चल रही है, वो फिल्म इंडस्ट्री हो या चाहे राजनीतिक अड्डा हो चाहे जहां भी हो, हिंदुओं को बदनाम करने का ही एक नारा है, और पूरे देश में चाहते हैं लोग कि हिंदू बदनाम हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे कार्य जो है ये मुसलमान कर रहा है, और मुसलमान लोग ही ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तानी थे, उनको हिंदू नाम दे दिया गया, क्या क्या मकसद क्या है सारी इस कवायद? देखिए, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है वो
सबको पता है कि पहले किसके हाथों में थी, कहां से गवर्न होती थी। आज भी किसी वजह से जितने सऊदीया के मुस्लिम वहां पे हावी रहे हैं और वही दशा है, उसी अकॉर्डिंग इतना दबाव रहता है कि हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज मुस्लिम समुदाय के ऊपर ना कोई फिल्म बना के या जो भी रहता है हिंदू समाज हमारे सनातन धर्म को एकदम नीचा दिखाने के लिए ये लोग एकदम पीछे पड़े रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग फिल्म बनाते हैं और उसमें पाकिस्तानी जो भी आतंकवादी हैं उनको हिंदू धर्म के नाम देते हैं कि उनका हिंदू में नाम दे के वो बदनाम करना चाहते हैं। अब पूरे हमारे इसलिए जो पूरा वर्ल्ड में हमारे सनातन धर्म के पीछे जो भी ये ताकत जितने भी मुस्लिम समुदाय लगे हैं ये ऐसा हो नहीं पाएगा। हमारे हिंदू सब एक हैं और हम लोग इसका सब एक होके इसका विरोध करेंगे और विरोध कर रहे हैं कि कोई भी नाम वो अपना रखे चाहे जो, लेकिन कोई भी फिल्म इंडस्ट्रीज में ये नहीं होगा कि आतंकवादी में जो है वो नाम मुस्लिम का रखें, ठीक है फिल्म बनाए, लेकिन हिंदू के जो है हिंदू के नाम जो है न रखे जाएं। और इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और सभी लोग इसका जो है विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको क्या लगता है जो पूरी जिस तरह से फिल्मों में नाम बनते हैं, जो विलेन होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, उनको हिंदू नाम दिया जाता है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हिंदू लोग से हिंदुस्तान है। हाईजैक प्लेन हाईजैक हुआ था, उस पर एक वेब सीरीज़ बनी है, तो उसमें जो टेररिस्ट हैं उनको हिंदू नाम दिया गया है जिसको लेकर के विरोध हो रहा है, तो आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री इस तरह का कोई नैरेटिव सेट करती? फिल्म इंडस्ट्रीज में आप जानिए कि जो विगत वर्षों से चला आ रहा है एक पर्टिकुलर ऐसे लोग उसको संचालित करते हैं जो बदनाम थे मगर अपने को अच्छा दिखाते थे फिल्मी दुनिया में। अब पब्लिक और देश के सामने उनकी सच्चाई खुल गई है, किस तरह हिंदू को बदनाम कर दें, वो एक बढ़िया साजिश उन लोग ने रची है जो हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और बहुत जल्द ही अपनी सरकार से और सरकार सत्ता से इनका विरोध के लिए इनके फिल्म को बैन करने की मांग करेंगे। आपको क्या लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जो नाम बदल दिए जाते हैं, आतंकवादी हिंदुओं को बना दिया जाता है और इस तरह का नैरेटिव तैयार किया जाता है? नहीं, ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों को हिंदू नाम दिया गया ये निंदनीय है और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से सेंसर बोर्ड से निवेदन करेंगे कि उसको तत्काल प्रभाव से इसको रोक दिया जाए वेब सीरीज, और जिन्होंने ये बनाने का भी प्रयास किया है, जो वेब सीरीज़ बनाए उनके खिलाफ़ FIR होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। जिस तरीके का ये हिंदू और मुस्लिम में बांट के देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमारा देश विकसित देश बन रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से विपक्ष भी आज हमारा हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे प्रेरित होकर उत्साह जो बढ़ा है वेब सीरीज का, जिस तरीके से माहौल बनाया गया है विपक्षियों द्वारा, इस कदम उठाया जा रहा है, ये निंदनीय है। सेंसर बोर्ड इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगाए, यही निवेदन। जी, आपको क्या लगता है सेंसर बोर्ड वेब सीरीज जो होता है उस पर बहुत नियंत्रण नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ें जो बनाई जाती हैं उसके पीछे क्या कोई मकसद होता है? कोई नैरेटिव से बनाया जाता है, जो विलेन होता है उसको हिंदू का नाम दिया जाता है? देखिए, दरअसल ऐसा है ना, पहले जानने की कोशिश किया जाए कि ये क्या है, फिल्म क्या है। ये समाज का दर्पण होती है और समाज का दर्पण क्या होता है, जो आज आपके यहाँ चल रहा है करंट अफेयर्स वही होता है आपकी फिल्म में। तो अब उसमें अब ये देखना है कि यहाँ पर क्या है कि ये जो छोटी मानसिकता वाले जो मुस्लिम गलत ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं। आज तक हिंदू एक चींटी नहीं मार सका, वो आतंकवादी कैसे बन सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक अगर मान लीजिए एक छिपकली आ जाती तो उससे लेके भाग जाता है हिंदू, तो ये कैसा मतलब आतंकवादी कैसे बन जाएगा? तो कहने का तात्पर्य टोटली गलत है, ये रूमर है, एक षड्यंत्र के तहत वो मोदी जी को कमज़ोर करने की कोशिश है और षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसकी मैं निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में। आपको क्या लगता है जो इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो फिल्म में कंधार हाईजैक प्लेन हाईजैक हुआ था उस पर एक वेब सीरीज़ बन रही है, उसमें जो लोग थे उनके नाम बदल दिए गए हैं, भोला शंकर इस तरह के नाम दिए गए? नहीं, मैंने सीरीज़ तो देख भी लिया है और ये वास्तव में बहुत ही बेकार लगा इस चीज़ को, भाई हिंदू का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है हाईजैक में। पुरानी चीज़ों को 99 वाले दशक को दर्शाया गया, अब उस वक्त वो आतंकवादी कौन थे,
इस पर किसी ने गौर नहीं किया था, और आज के डेट में वो नया नाम परिवर्तित करके हिंदू का दे रहे हैं, ये इसका मैं घोर निंदा करते हुए मैं सीधा सीधा इसमें इनसे अपील करूंगा सरकार से कि भाई इस वेब सीरीज को तत्काल रूप से बंद कराया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, लामबंद भी रहेंगे। कुछ हिंदुत्व की अगर हमको परिभाषा को मेंटेन रखना है यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो हम लोग निरंतर इस चीज़ में इसका विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है कि कोई फिल्म इंडस्ट्री के जरिए कोई नैरेटिव बनाया जाता है एंटी हिंदू? नहीं, ये देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए भी, और ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ये हम सबको बरगलाने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गलत चीज़ें, चूँकि होता है कि आज की जो जनरेशन है, जैसा कि 1999 का केस है तो आज 25 साल हो गए हैं, तो आज की जो जनरेशन है उसको पता भी नहीं है कि 1999 में हुआ क्या था। ठीक है, 1999 में कौन प्लेन हाईजेक किया था? आज जो नैरेटिव बना के दिखाया जाएगा तो आज की जनरेशन को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो दिखाया जा रहा है वो वाकई में उसमें सत्यता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।